वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु खालसा संगत जी, अज असीं आप जी दे नाल एक होर राजा हरीश चंद्र की वार्ता सांझी करनी जा रहे हाँ। एक हरीश चंद्र असी पिछले दिनों विच जो तारा राणी का पति सी, उसकी साखी आप जी ने सांझी कीती है। आओ अज एक होर हरीश चंद्र राजा भी सुनने विच आया है। इस राजे की नकल फिल्मां ते थिएटरां विच भी दिखाई जाती है। यह राजा बड़े दानी ते धर्मात्मा होए हन। पता नहीं दानी पुरशां ते धर्मी राजियां तों स्वर्गपति इंद्र राजे नूं हमेशा क्यों इहो तौखला लगा रहिंदा है, इह किते मेरा राज ना खो लैण। सो इसे कारण राजे हरीश चंद्र नूं भी बड़ियां बड़ियां मुसीबतां ते औंकड़ां दा सामना करना पिया, पर धर्म ना हारन करके अखीर भगवान ने इस दी सहायता कीती। दसदे हन कि इंद्र दे सिखाए हुए विश्वामित्र जी हरीश चंद्र पास पुजे ते दान लई पुछण ते रिखी जी ने इस दा राज ही दान विच मंग लिया। राज दान करन पिछों रिखी जी ने राणी ते राजे दे कपड़े ते जेवर भी लुहाले ते दखणा ते तौर ते 1000 रुपया होर लैण दा इकरार कर लिया। पर हुण भिखारी बन चुके राजा जी इह रुपया देंदे कित्थों। बड़ी मुसीबत विच पै गए, पर सत्यावादी सतवादियों ने धर्म हारन तों इनकार कर दिता। राजे ने अपना आप वेचण दा ऐलान किया, पर राणी ने कहा नहीं, अपने तों पहला मैनू वेचो, मेरा तुहाडी सेवा करनी धर्म है। राणी दे जिद करन ते राजे ने एक ब्राह्मण लोक कोल 500 रुपए वेच राणी वेच दिती, पर पहले इकरार कर लिया कि इस दे पति वर्त धर्म ते कोई धब्बा नहीं लगन देना होगा। ब्राह्मण ने यह गल मान ली ते उसने राणी नूं अपने घर वासियां दी थावें रख लिया। बाकी 500 रुपए वेच राजे नूं एक चंडाला ने मुखी ने खरीद लिया, जिसने इसकी ड्यूटी यह लाई कि मसाणा विच उसनू मुरदा फूकण देवे, जेड़ा मुरदे का अद्धा कफन उसके हवाले कर देवे। राजा राणी दोवें ड्यूटियां ते लग गए। इन्हां दा एक 7-8 साल का बच्चा सी। विश्वामित्र जी ने इसकी होर प्रीख्या लैण ली। जहरीला नाग उस लड़के नूं लड़ाउण लई भेजिया, सो उसनू सप लड़िया ते वह लड़का मर गया। राणी बेचारी दे भा दा हनेर हो गया। उसने अपने दुपट्टे विच पुत्तर नू लपेट लिया ते मसान घाट वल तुर पई। उस दियां अखां ने शहबर लाई हुई सी, पर अगे सतवादी राजा हरीश चंद्र अपनी ड्यूटी ते खड़ा सी। पुत्तर दे मरण ते उसका दिल भी हिला दिता सी, पर मालक दे हुक्म दी उलंघना धर्म दी उलंघना सी। इसलिए सबर ते शुकर दे सहारे उसने अपनी पत्नी नूं भी कहा कि जद तक अद्धा कफन ना दिओ तुसीं इसका संस्कार नहीं कर सकते। पत्नी ने बथेरा कहा, यह तुहाडा पुत्र है,
पर हरिश्चंद्र ने अपने मालक के हुक्म नूं पूरे किते बगैर कुछ ना करन दिता। लाचार राणी मसान घाट दे बाहर बैठ गई। राह जांदे चोरां ने राणी दी हालत ते तरस कीता, पर ओह तरस भी उस लई बड़ा महंगा पिया। ओह मोतियां दा बड़ा कीमती हार उसकी झोली विच जांदे जांदे सुट गए, पर राजे दे आदमियां ने उसनू चोरी दे जुर्म विच फड़ लिया। मुसीबत ते मुसीबत आ पई, पर धर्म वाली राणी अपने पति दे हठ नू वेख के सगों सबर अते संतोख विच आ गई ते भाणे दे शाकर हो गई। उसने कचहरी विच कोई जवाब ही ना दिता, ना सफाई पेश कीती, ते अन्ने हाकम ने भी ना विचारिया कि मुर्दा पुत्र दी लाश चुकी फिरदी मां ने चोरी किवें कर ली होवेगी। उसने उसनू मौत दी सजा दा हुक्म दे दिता। हुण होर देखो, राजे हरिश्चंद्र दा होर करड़ा इम्तिहान होण लगा। दुख भरे हिरदे नाल ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਕਹੋ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਧਰਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਵੱਲ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰੜ ਨਾ ਹਾਰਿਆ, ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਧਰਮ ਜਾਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ। ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਿੱਲਿਆ ਡੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਖੜੇ ਸਾਖਿਆਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਵੀ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਖੀ। ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।